गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप स्टूडेंट? ये जो टॉपिक किया है वो एम्ब्रियोजेनेसिस से लिया गया है, और ये एम्ब्रियोजेनेसिस होता है यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। स्टूडेंट, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो ओवा होता है, ओवा का फॉर्मेशन ओवरी में होता है। जो फॉलिकल्स होती हैं, वो फॉलिकल डेवलपमेंट के दौरान ग्रेफियन फॉलिकल्स या मेचर फॉलिकल्स बनाते हैं, जिसमें ओसाइड्स यानी कि सेकेंडरी ओसाइड होता है वो निकलता है, जिसमें ओवा फिट होता है। तो ओवा का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओवरी। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको ये पर्चा करा दूं, ये जो पोर्शन दिया है ये ओवरी का दिया है, और ओवरी में देखो ये दिए हैं और दिया है प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलपमेंट होती है, और डेवलपमेंट होने के बाद ये क्या होना चाहिए, मेचर फॉलिकल्स या ग्रेफियन फॉलिकल्स भी इसी को कहते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल्स से ओवुलेशन प्रोसेस होती है, जिसमें 14वें दिन होती है, जिससे ओवा क्या होता है, इससे बाहर आ जाता है। यही फिर आगे क्या होता है, ये कार्पस ल्यूटियम में ये स्ट्रक्चर बदल जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो अब यानी के बात ये आती है, फर्टिलाइजेशन होता है वो, ये देखो ये स्ट्रक्चर दे रखी है, फैलोपियन ट्यूब है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? तो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो फैलोपियन ट्यूब, फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एम्पुला, बीच में जो एक मोटा पार्ट होता है वहीं पर स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन भी होती है, यानी कि स्पर्म और ओवा के मिलने की क्रिया को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखो अपने स्टूडेंट, मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप आ गया, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा स्टेप, इसी प्रकार से जो क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने बांट रखा है। देखो फर्स्ट टाइम क्या होता है, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के 14 डेज यानी 14 डेज में जो ओवा होता है वो बाहर आता है, ओवरी से निकलकर बाहर आता है, और जो फैलोपियन टाइप फैलोपियन ट्यूब्स होती है उसका जो इसके सटा हुआ जो भाग होता है इसको बोलते हैं फिम्बरी। यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फिम्बरी पार्ट होता है। ये फिम्बरी क्या करता है, इस ओवा को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, इसमें फ्लूड होता है, फ्लूड के द्वारा इसमें सीलेटेड पदार्थ भरा होता है, और उस पदार्थ की सहायता से ये इसकी दीवार से सरक करके रोलिंग के द्वारा आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ता है वैसे स्पर्म क्या होते हैं, इस रास्ते से चढ़ते हुए आगे चढ़ते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ आ जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में आते आते ये एम्पुला नामक भाग में आ जाते हैं, और यहाँ पर आकर के ये क्या करते हैं, मिल जाते हैं। देखो ये इस ओवा को बहुत सारे स्पर्म क्या करते हैं, घेर लेते हैं, और घेरने के बाद उसको फर्टिलाइजेशन या इसकी भित्ति को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस पीरियड में यहाँ सैकड़ों स्पर्म होते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म इसके अंड को आकर के क्या करता है, भेजता है और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो एक स्पर्म और एक ही ओवा जो आपस में फ्यूजन करते हैं तब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक, अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये क्या करता है, यूटेरस की तरफ, ये यूटेरस वाला पोर्शन दिया है, तो इस तरफ क्या होता है, ओवा धीरे धीरे दीवार की सहायता से आगे की ओर चलता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक कोश की स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं, जायगोट। जायगोट डिप्लॉयड होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जायगोट 2n या 2x करके लिखा होता है, ज्यादातर 2n लिखा होता है। 2n का मतलब होता है कि द्विगुणित, क्योंकि स्पर्म और ओवा दोनों हैप्लॉयड होते हैं, आगुणित होते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जायगोट बन जाता है। अब जायगोट में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे क्या करता है, सेल्स में डिवाइड होती है, यानी कि जायगोट एक कोशिकीय होता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से जैसे जैसे ये इधर की ओर आता रहता है और इसमें डिवाइडेशन हो लगते हैं, जो कि दिया डिवाइडिंग जायगोट, जायगोट में विभाजन होने लगते हैं, इसी को क्लीवेज भी बोलते हैं। तो ऐसे ये क्या करता है, इसमें ये सेल्स बनने लगती है, इनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ये देखो सेल इसमें दिख रही है, ये क्या कहलाती है, ब्लास्टोमियर। इसी प्रकार से जब कई बार डिवीजन हो जाता है, यानी कि सेल्स लगभग 13 सेल्स की स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, कभी कभी 64 भी देखते हैं, यानी कि 32 से 64 सेल्स की स्ट्रक्चर बन जाती है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिर मरूला। क्या
बोलते हैं मारुला। मारुला लगभग चौथे दिन तक ये बनता है। ये ठोस संरचना होती है जिसमें सेल्स 32 सेल्स होती है, 64 सेल्स होती है। ये मारुला क्या करता है, यानी कि उस यूटरस की जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम के सहारे नीचे की ओर खिसकता है और यहाँ पर एक फ्लूड भरा होता है जिसको बोलते हैं यूटेराइन मिल्क। यहाँ मैं लिख रहा हूँ यूटेराइन मिल्क। इस यूटेराइन मिल्क में ये क्या करता है, तैरने लगता है। तैरने से क्या होता है, ये न्यूट्रिशन वगैरह लेता है और इसकी जो सेल्स होती है वो इसमें जो विभाजन होता है वो लगातार विभाजन हो रहा होता है और विभाजन होने के बाद इसमें क्या होता है, फिर स्ट्रक्चर बड़ी हो जाती है और उसके चारों तरफ ये जो सेल्स बनती हैं ये सेल्स कहलाती हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, यानी कि और अंदर की ओर सेल्स होती हैं, ये भी सेल्स होती है, ब्लास्टोमियर होती हैं, ब्लास्टोमियर ट्रोफोब्लास्ट इसको अभी नहीं कहेंगे लेकिन ब्लास्टोमियर सेल्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं, जैसे जैसे इधर की और नीचे की जाती है तो ये साइबी टाइप की हो जाती है, इसमें बहुत सारा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, एक प्रकार का शराब जैसा ही होता है इसको बोलते हैं। और यहाँ पर एक खोखली संरचना बन जाती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट इसी संरचना का नाम है क्योंकि इसमें एक गैविटी टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। देखो अभी इस तरह इसमें एक तरफ की जो सेल्स बनती है इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियनल नोब। इस वाले पोर्शन क्या बोलेंगे, एम्ब्रियनल नोब, इसको भ्रूणीय घुंडी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एम्ब्रियनल लोब बन जाती है और ये एम्ब्रियनल वाला जो पोर्शन है यहीं से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब इसमें ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ठीक है, इधर ये सेल्स कहलाएंगी, ये इनर सेल मास कहलाती है और बाहर की ओर सेल्स होती है उसको आउटर इनर मास, आउटर मास सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये सेल्स होती हैं। फिर क्या करती है, कुछ दिनों के बाद ये घटना चौथे पांचवें दिन के बाद होती है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये यूटेरस के जो एंड्रोमेट्रियम होती है इस एंड्रोमेट्रियम से ये लग जाती है, जो एम्ब्रियनल वाला पोर्शन होता है इसी पोर्शन से आकर के लग जाता है। लगने के बाद क्या होता है, इसकी जो सेल्स होती है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में आती है जिसको ब्लाई बोलते हैं। ठीक है, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से क्या करता है, इसके अंदर की ओर धस जाता है। जब ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस के अंदर की ओर धस जाता है या इसमें स्थित हो जाता है उसी क्रिया को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, रोपण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रोपण। ठीक है, इसको रोपण। और ये रोपण की जो प्रोसेस होती है 7 से 8वें दिन के लगभग होती है, यानी कि एक हफ्ते के बाद रोपण की प्रोसेस होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें जब ये रोपण की क्रिया हो जाती है इसके बाद जो इसकी बाहर की ओर जो सेल्स हैं ये वर्क करना कम कर देती है और ये सेल्स क्या करती है, बाद में मेम्ब्रान जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रान्स होती हैं उनका निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे आपने कोरियोन है, एम्नियोन है, ये सब मेम्ब्रान का निर्माण ये करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें देखो ये यूटरस दिया है, इसका ये पोर्शन में आपको बता दूं, ये क्योंकि इसकी दीवार से लगते हुए आता है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बीच का जो पोर्शन होता है इस पोर्शन बोलते हैं मीजोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम भी कहीं मिलेगा और ये दिया है पेरीमेट्रियम। ये यूटरस की क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक तो देखो ये ब्लास्टोसिस्ट होती है, ये इसमें क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है यूटरस में, इसको इम्प्लांटेशन क्रिया होगी। इसके बाद और ये एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में एम्ब्रियो लोब जो होती है इसमें परिवर्तन होते हैं और आगे कैंगोना शुरू हो जाते हैं। इसी से आगे गैस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है जिससे तीन स्तर बनते हैं, मीजोडर्म, इंडोडर्म और एक्टर्म, और उन्हीं तीनों डर्म से क्या होता है, अंगों के निर्माण बनते हैं, जैसे हार्ट का निर्माण होना, स्किन का निर्माण होना, ब्रेक का निर्माण होना। ठीक है, ये सब होती मेम्ब्रान के थ्रू होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखना, ये मैं आपको अगर एक बार फिर रिपीट करा दे रहा हूँ क्योंकि ये ओवरी वाला पोर्शन हो गया। ओवरी में क्या होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, इसको बोलते हैं नेचर फॉलिकल्स या ग्राफियन फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स क्या करती है, यूसाइड को क्या करते थे, बाहर निकल, यानी कि ओवरी से बाहर नहीं आती, ये फेब्रियो होती है उसको रिसीव कर लेती है। रिसीव करने के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ध्यान रखना,
फैलोपियन ट्यूब के एम्प्लॉन नामक भाग में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो ध्यान रखना, फिर क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट में बार बार विभाजन होता है, इससे डिवाइड करने लगता है। इसका एक बार विभाजन हुआ, दो टू सेल्स या दो सेल्स बनी, दो के बाद चार बनी, चार के बाद आठ, आठ से 32, इस तरीके से इसमें डिवाइडेशन होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना। ठीक, ये लगभग एक हफ्ते के बाद इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, थैंक यू स्टूडेंट।